पूरे देश भर में स्वीप के तहत वोटिंग राइट्स को समझते हुए और वोटिंग की इम्पोर्टेंस को देखते हुए अहम प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है। आप सब जानते हैं हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्वीप के तहत लेह लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस लेह के जरिए एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन EGM कॉलेज लेह में ऑर्गेनाइज किया है। हमारे साथ स्टेट नोडल ऑफिसर ज्वाइन कर चुके हैं। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासकर आज के इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन को लेके, और इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन के जरिए किस तरह की अवेयरनेस आप लोगों तक पहुँचाने जा रहे हैं वोटिंग को लेकर? आज स्वीप प्रोग्राम के मुताबिक लेह डिग्री कॉलेज में हम नेशनल वोट डे को मद्देनज़र रखते हुए एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसका मेन मकसद है, जितना भी हमारे यंग वोटर्स है, पर्टिकुलरली फ्यूचर वोटर्स को हम फोकस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी जो क्लास 9th और 12th के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं, और इसके अलावा जो न्यू वोटर्स जो डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इनको मेन हमारा जो है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो कुछ ही महीनों के बाद हमें लगता है कि होने वाला है कि लोकसभा इलेक्शन होना है, तो इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो राइट टू वोट, इसका कितना इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, इसके लिए इनका जागरूकता बढ़ाने के लिए हम ये पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पेंटिंग कंपटीशन का क्या थीम है सर, और कितने स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं इसमें? बहुत सारे हमारे ब्लॉक लेवल पे जितना भी हायर, ऑलमोस्ट 9 हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल मिला के टोटल इस पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। और इसका हमारा ये पेंटिंग कंपटीशन का जो आपने थीम क्या है, तो ये है नथिंग लाइक वोट, आई वोट फॉर श्योर। इस थीम पे ये नेशनल का जो इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन कमीशन के तरफ से हमें जो ये थीम मिला है, इसके थीम के ऊपर हम आज ये पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में इलेक्शंस को लेके आप चूंकि नोडल ऑफिसर हैं, तो लद्दाख के अंदर किस तरह के और भी एक्टिविटीज स्वीप के तहत देखने को मिल सकता है इलेक्शन से पहले? अभी इलेक्शन होने को है, तो स्वीप प्रोग्राम हमारा आज से ऑलमोस्ट 4-5 महीना से पहले चल रहे हैं, तो आज जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जितना भी जो है हमारे ग्राउंड लेवल पे, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज प्रोग्राम वो कर चुके हैं, हर तहसीलदार लेवल पे जो उन जितना भी है इसके बारे में हमने स्वीप के तहत डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से नोटिस जा चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमने हमें अभी लेह में भी हो या करगिल में भी, डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा स्वीप का जो कैंपेन होता है उसको कंटिन्यूस करने के लिए, इसके अलावा जो हमारा इलेक्शन जो लोकसभा का वो EVM और VVPAT के थ्रू होना है, तो इनका ट्रेनिंग भी स्वीप प्रोग्राम के मुताबिक अभी हमारा चल रहा है, और ये 1 फरवरी के बाद हर गांव में जाके इसका एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, तो इन रिगार्डिंग ऑल दिस हमने सारे जो मस्ट ट्रेनर्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उनको हमने ट्रेनिंग दे चुका है, और इसका अभी करगिल में भी चल रहा है, तो जितना भी जो है स्वीप प्रोग्राम के मुताबिक और लोगों को अवेयरनेस देना है, तो जितना हमें जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इससे अलावा, इसके अलावा इससे पहले हमने जो हमारा एक स्वीप का एक मेन प्रोग्राम होता है वो आपको भी मालूम है, स्पेशल समरी रिवीजन हो चुका है रिगार्डिंग दिस, इसके मुताबिक जितना भी एक्टिविटीज स्वीप का करना चाहिए स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए चल रहा है कंटिन्यू। सर, जिस तरह से नेशनल वोटर्स डे मेन यूनियन टेरिटरी लद्दाख के हेडक्वार्टर्स पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, तो उसके अलावा सब डिविजनल और ब्लॉक लेवल पे भी नेशनल वोटर्स डे जो है मनाया जाएगा? बिल्कुल, नेशनल वोटर डे जो है हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन एक अहम पार्ट है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने ऑलरेडी नोटिस दे चुका है कि ये प्रोग्राम
हर ब्लॉक लेवल पे, तहसीलदार हेडक्वार्टर पे इसका पेंटिंग कंपटीशन और ये नेशनल वाटर डे मनाया जाएगा। और इसके अलावा जो मेन हमारा यूटी लेवल पे जो मेन मेगा इवेंट होगा वो हमारा डिग्री कॉलेज एवीएम में कल होगा। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल वाटर्स डे के हवाले से हमारे साथ स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर साहब ज्वाइन कर चुके थे और आप देख सकते हैं नेशनल वाटर्स डे को मद्देनजर रखते हुए आज की जीएम कॉलेज में एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो फ्यूचर वाटर्स हैं, जो नए वाटर्स हैं, उनके मोरल बूस्ट करने के लिए और साथ ही साथ उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट लेह के, खासकर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यूटी लद्दाख और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस लेह की जानिब से एक अहम स्वीप के तहत एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे लेह के मुख्तलिफ स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेके वोटिंग के हवाले से अपने जो हुनर हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में जो नए वोटर्स हैं, जो फ्यूचर वोटर्स हैं, उनको वोटिंग राइट के हवाले से अहम जानकारी मिले। चलिए एक खास रिपोर्ट आप तक हम ईजीएम कॉलेज लेह से पहुंचा रहे थे। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ सब अपडेट्स के लिए। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, मेरे साथ दे रहे हैं मोहम्मद तनवीर।